बलात्कार के पश्चात उसकी हत्या कर दी गई, यह बहुत ही आपत्तिजनक है, काफी ही जघन्य अपराध हुआ है। न्यायालय ने सीबीआई को यह केस सौंपने का निर्णय लेकर एक बड़ा काम किया है। बंगाल की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार हत्याकांड पर कहा, ये बहुत दुखद घटना है। ममता बनर्जी की सरकार उसे ध्यान भटकाना चाहती थी और इस पर पर्दा डालना चाहती थी, और इसलिए अदालत ने इसका संज्ञान लिया है और सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई मामले की सक्रियता से जांच करेगी और दोषियों को सजा दिलाने के लिए काम करेगी। आइए सुनते हैं अपने बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है। वह बहुत ही दुखद घटना हुई है। बंगाल में जो उस डॉक्टर बहन के साथ जो डॉक्टर के ट्रेनिंग पीरियड में थी और जिस प्रकार से बलात्कार के पश्चात उसकी हत्या कर दी गई, यह बहुत ही आपत्तिजनक है, काफी ही जघन्य अपराध हुआ है। और ममता बनर्जी जी की सरकार उस अपराध को डाइवर्ट करना चाहती थी, उस पर पर्दा डालना चाहती थी, तो न्यायालय ने संज्ञान लिया और न्यायालय ने सीबीआई को यह केस सौंपने का निर्णय लेकर एक बड़ा काम किया है। दस्तावेज भी सीबीआई को सौंपा जाए, इसका भी निर्देश न्यायालय से मिला है। सीबीआई तत्परता से जांच करेगी और दोषियों को सजा दिलाने का काम सीबीआई करेगी। सर, बिहार में नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है, वक्फ बोर्ड की जमीन पे 21 नए मदरसे का निर्माण कराया जाएगा। तो सरकार की नीति है, जो अभी तो जेपीसी को वक्फ बोर्ड की संपत्ति के संबंध में चर्चा करने के लिए और उस पर सुझाव देने के लिए, विचार करने के लिए भेजी है। केंद्र की सरकार का, मोदी जी की सरकार, जो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, उसका विचार यही है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उसको अल्पसंख्यकों के, महिलाओं को, बच्चों को और गरीबों को उसका लाभ पहुंचे, जो लाभ पहुंचता नहीं था। तो यह मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है और मुझको लगता है कि नीतीश जी जो निर्णय लिए होंगे वह इस विचार के आसपास ही होंगे।